दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में यहाँ पर टॉप 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए काफी यूजफुल है और इन एप्लीकेशंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, काफी यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर यूज करके देखा, मुझे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा। आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये एप्स कैसी लगी है आपको। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहली एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सल लूप। इस एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर कोई भी फोटो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही गैलरी में पड़ा हुआ है या फिर लाइव में खींचना चाहता हूँ, यहाँ पर कैप्चर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास गैलरी में फोटो पड़ा है उसको यहाँ पर इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो बादल वाले मोशंस डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा रखा है एक दूसरा फोटो, नॉर्मल फोटो, और यहाँ पर एक पिक्सल लूप वाला फोटो जिसमें आप यहाँ पर बादल चलते हुए दिखा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर इफेक्ट हो सकते हैं, VFX इफेक्ट जिसे यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ पर फोटो के अंदर। तो दोस्तों ये काफी अच्छा फीचर लगा मुझे पिक्सल लूप का। अगर आप भी यहाँ पर अपने फोटोज में यहाँ पर VFX इफेक्ट्स बोल सकते हो, आप यहाँ पर इसे एक तरह से यहाँ पर बादल को चलते हुए, किसी भी चीज को यहाँ पर चलते हुए दिखाना चाहते हो यार, फोटो अमेजिंग बनाना चाहते हो, तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड एप्लीकेशन की ओर। जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर टच प्रोटेक्टर। इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते यार पास वाला आके, मतलब सामने आपके बैठा है लेकिन वो जैसे ही आ जाए तो आप यहाँ पर मिनिमाइज करना चाहोगे तो मतलब वो देखेगा यार क्या किया, फटाफट न्यू करेगा। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे बेसिकली आप यहाँ पर कोई भी वॉलपेपर सेट कर लीजिए, मतलब एक फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जिसे यहाँ पर स्क्रीन पर करना रखना चाहते हो, ठीक है यहाँ पर रखिए, फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो यहाँ पर आएगा आप उसे दो बार शेक कीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखोगे कि दूसरा फोटो चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो भी करना चाहो वो यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर शेक करोगे और यहाँ पर टैप भी करेगा ना, फिर भी यहाँ पर वो यहाँ पर बैक नहीं जा पाएगा। दोस्तों ये काफी अच्छा फीचर है, अगर आप इसे यहाँ पर बैक करना चाहते हो तो यहाँ पर बैक की को 4-5 बार प्रेस करके नहीं होता तो आप पावर का लॉक पावर बटन दबा के और वॉल्यूम अप बटन दबा के यहाँ पर इसे वापस से बैक आ सकते हो, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो जो भी आप यहाँ पर चला रहे थे। तो ये भी काफी कमाल की एप्लीकेशन हो सकती है उन यूजर्स के लिए जो नहीं चाहते यार मेरे फोन में क्या हो रहा है, ये पास वाला देखे आके जैसे आगे देखता है तो मिनिमाइज कर लेते हो लेकिन उसको आप दिखाना भी नहीं चाहते, मतलब तो यार वो टच ही हैंग हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा दोस्तों। तो ये भी काफी काम की एप्लीकेशन होती है, सकती है आप ही के लिए। दोस्तों जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है स्मैश। इस एप्लीकेशन में आप कह सकते हो यहाँ पर 2 GB तक की फाइल आप बिना लॉगिन, बिना साइनअप, बिना किसी प्रोसेस के आप कर सकते हो। जैसे कि बेसिकली बहुत सी वेबसाइट पर आप चले जाते हो, जैसे कि मीडिया फायर हुआ, ये हुआ, बहुत सारी वेबसाइट है दोस्तों, वैसे यहाँ पर आप चले जाते हो तो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं वो ईमेल के थ्रू, इसके थ्रू। तो आपको यहाँ पर बिना साइन इन, बिना लॉगिन के यहाँ पर आप 2 GB की फाइल सेंड कर सकते हो। बेसिकली आपको कहना है यहाँ पर अपलोड डालनी है फाइल को, फाइल को डालने के बाद उस लिंक को भेज देना है उस पर्सन को जो भी यहाँ पर डाउनलोड करना चाहता है, डाउनलोड करने की के लिए उसको लिंक पर क्लिक करेगा डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों इस ऐप की खास बात यह है कि ये 7 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है इस पर अपलोड जो की गई फाइल है। तो ये काफी मतलब अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि यार जल्दी से जल्दी यहाँ पर वो डाउनलोड कर ले और फटाफट सर्वर से हट जाए तो ये काफी अच्छी चीज़ है दोस्तों। वैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन और भी है, गूगल ड्राइव और मीडिया फायर का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ बिना साइन अप, बिना लॉगिन प्रोसेस के ये वाला अच्छा काम कर सकता है, अगर आप यहाँ पर ये यूज करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है बिग फाइल क्लीनर। इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आपका स्टोरेज फुल हो चुका है, आपका फाइल मैनेजर दोस्तों फुल होने के बाद है ना वर्क नहीं करता है, मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हुआ है दोस्तों। जैसे आपका स्टोरेज फुल हो गया तो फाइल मैनेजर आप चलाओगे ना तो वो हैंग करके यहाँ पर एप्स नॉट ओपनिंग, ये रेस्पॉन्डिंग, ये वाली चीजें यहाँ पर आपको दिखाने लग जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली इस ऐप को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में जगह करने के लिए, फोटो वीडियो अनवांटेड फाइल्स है जो भी यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, चाहे आपका स्टोरेज 99.99% भी भरा होगा ना तब भी दोस्तों ये एप्लीकेशन अच्छी स्मूथली वर्क करेगी, जैसा आपका फाइल मैनेजर हैंग होता है वैसे हैंग नहीं होगी। और यहाँ पर फाइल मैनेजर मतलब खाली करके वापस से ऐसे हटा दीजिए, अपना काम हो चुका है और यहाँ पर वापस से आप अपने फाइल मैनेजर में जाके जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो दोस्तों। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज बढ़ जाता है और यहाँ पर फाइल मैनेजर वर्क नहीं करता है, आप डिलीट कैसे कर पाते हो फाइल को ये नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको इस ऐप के बारे में बता दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगली एप्लीकेशन की ओर। दोस्तों जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है रिनेज लॉन्चर। इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हो इसका एप्लीकेशन का लुक है ना मुझे तो काफी अच्छा है, कमाल लगा दोस्तों यहाँ पर लॉन्चर के हिसाब से। दोस्तों वैसे ही मैं यहाँ पर लॉन्चर यूज नहीं करता दोस्तों लेकिन बहुत से की डिमांड थी दोस्तों यार यहाँ पर मुझे इस वाला ये मतलब जो लॉन्चर आता है UI, जैसे ओप्पो का UI हुआ, वीवो का हुआ, शाओमी का, रियलमी का, इनके UI आते हैं दोस्तों उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, यहाँ पर जो
होम स्क्रीन का वही एक एक पेटेंट। दोस्तों यहाँ पर अगर आप नया नया लॉन्चर यूज करना चाहते हो तो इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर इसका वॉल मतलब जो गेस्चर डिजाइन है, गेस्चर भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पर अमेजिंग फीचर्स है, काफी सारी ट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो दोस्तों ये पांचवी एप्लीकेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन पांचों एप्लीकेशन में से आपके लिए कौन सी यूजफुल होने वाली है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।